अभी सारे में कवर सब लग रहा है, आ गया बन करके। स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। आज है 23 जून और आज है मेरा बर्थडे। और एक हैप्पी बर्थडे हनी, थैंक यू। आज है मेरा बलून का बर्थडे। जब किसी का बर्थडे होता है तो उस दिन क्या सोचता है कोई बंदा कि वो दिन भर आराम करेगा, मजे करेगा, है ना, नहा धोके। लेकिन अभी तक ना ही नहाने दिया है मेरे को, ना ही धोने दिया है, मतलब क्या बोल रहा हूँ, नहाने नहीं दिया है और सुबह से काम पे काम करवा रहे हैं। देखिए तेरे बर्थडे में तेरे को पीसी भी मिल गया और दीदी के बटन में दीदी को ना माइक्रोफोन मिल गया था, जो माइक वाइक जो दीदी को अच्छा लगता है वो मिल गया। मेकअप का सामान भी मैंने खरीदा। अरे हाँ हाँ, तो बस मेरे को एक कुत्ता का लालसा है, लालसा छोड़ना। तो कल क्या किया था मैंने, जितने भी कॉपी किताब है ना हमारे, मैं सब उठा के ले आया था यहाँ पे। वो कम से कम 100 किलो से ज्यादा था तो उसको बहुत पार्ट्स में लाना पड़ा था। तो अभी उसी का छटाई चल रहा है कि कौन सा रखना है और कौन सा जो है उसको हमें हटाना है। तो वही बस काम चल रहा है। और मम्मी हमारे लिए मशरूम बना रही है और तमन्ना दीदी घी बना रही है। तो जल्दी जल्दी चलते हैं। बाप रे, 9th क्लास में मैं हूँ ना और 10th क्लास का मैंने एक बुक देख लिया था अभी, RD शर्मा। भाई मैं अभी तो निकाल रहा था ना, मेरे को ऐसे पुराने पुराने किताबें मिली है ना और जिसमें मेरी हैंडराइटिंग है, इतना नॉस्टैल्जिक सा फील हो गया मेरे को। कैसा लग रहा हूँ? अरे मौज है ना, बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो धोती ना लास्ट टाइम मैंने पहना था नकली धोती, मतलब ये तो वैसा है ना नकली वाला धोती, बचपन में एक बार मैं क्या सीढ़ी से उतारा था बाप के साथ, बाप रे इतना जोर से गिरा, उसके बाद पहना नहीं कभी, उसके बाद आज ही पहन रहा हूँ, बड़ा ही खुला खुला सा एकदम, मजा आ रहा है पहनने। चलिए दीदी लाइव स्ट्रीम का तैयारी करते हो, मेरे को नहा के आना है अभी, फिर गिरते गिरते बचा। तो अभी खाना पीना हमने खा लिया है और एक दो केक और घर में आए हैं। क्या बात है, आज तो मजा आ रहा है दीदी। पापा पीसी गिफ्ट कर दिए मेरे को, और ये बता मम्मी क्या दी है, बता बता। मम्मी कुछ नहीं दी, मम्मी धोती भी है, ये धोती जो तुम पहने हो। आपने क्या था ना, ओके नाइस। तुम्हारा गिफ्ट क्या दे दीदी? मैंने पसंद किया ये धोती। बाप रे क्या कंट्रीब्यूशन कर दिया इसने तो। और हनी का बर्थडे में क्या होगा? बर्थडे किधर है भाई? तू क्या दे रहा भाई, भाई को क्या दे रे, पता और ले फोन आ गया। अरे हनी किसी का फोन आ रहा है बार बार और बोल रहा है दीदी सबसे बात कर रहा हूँ। हम बोले आप अपना नाम बताओ तो वो नाम नहीं बता रही है। बता रही है? हाँ रही है। बहुत बढ़िया, टिप टॉप, मुझे तो कोई देखो मैं कैसी लग रही हूँ। बाबू हैप्पी बर्थडे किसका है? और अभी जो आए अंकल, वो हमारे लिए गिफ्ट लेके आए हैं, जो उन्होंने वादा किया था जैसा कि हमें लाइट्स गिफ्ट करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो अंकल आज ये सारे गिफ्ट लेके आए मेरे लिए, अंकल बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं, ऐसे आगे लाते रहे, इससे भी ज्यादा लेके आए। दीदी तो यहाँ क्या कर रही है? मुझे खोल के देखना है। अच्छा हाँ, मैंने आपको तो एक बात बताई नहीं, हमने एक रिंग लाइट ऑर्डर किया था जो कि हमारे घर में सुबह ही पहुँच गया था। हम ऐसे देखो ना पैक करके रखा ही हुआ है, अभी तक खोला भी नहीं है, तो इसको अनबॉक्स करते हैं हम। चलो भाई लाओ कहीं चलाओ। और हमने अमेज़न की प्राइम मेंबरशिप ली हुई है तो तुरंत यू आर फास्ट घर पहुंचता है। होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, यू आर फास्ट। कैसी लगी? क्या मेरे को ये लाइट नहीं पसंद, ऐसे पसंद है मुझे। जल्दी जल्दी खोल दीदी। अरे फाड़ दे। अभी ठीक है, अभी इतना ही ठीक है। अब रिंग लाइट आती है। हेलो हेलो हेलो, अब खोलते हैं रिंग लाइट। अच्छा रिंग लाइट आ गया, इसी घर में रहता है ना। ओ जी बहुत बड़ी, क्या है? कैंडी बॉय। तो हमने ये रिंग लाइट लगा दिया है और फिर उसको ऑन करके देखते हैं कि क्या है। अभी हम लोग इसके लाइट चेक कर रहे हैं कि कैसे चेंज होता है, इसके टोन कैसे चेंज होता है। करो तो भाई, 1 2 3 go blue white oh white, ये चेंज हो रहा है बार बार। पिंक कब आएगा रे? चलो हनी अब इसको गेमिंग रूम में ला के देखो कि कैसा लगता है।
दीदी मैं कैसा दिख रहा हूँ? कंटाप। एक कपड़ा ले आना सुनी। तो ये है हमारा आज का पहला लाइव स्ट्रीम फ्रॉम माई ब्रांड न्यू पीसी। आप देख सकते हैं कितने सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए, अभी करीब 2300 लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब का बटन और लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे। मैं आप सभी को एक चीज दिखाता हूँ, ये वैसे तो कॉमन है, जब भी आपका बर्थडे होता है और ट्विटर पे आपने सेव कर रखा है अपना बर्थडे डेट, तो उस पे कैसे शो होता है वो देखिए आप। ये मेरा अकाउंट है और इस पे जैसे प्रोफाइल पे जाएंगे गुब्बारे उड़ते हैं भाई, कसम से बहुत कूल लगता है मेरे को दिखने में। मैं बार बार यही करता था, प्रोफाइल पे जाता हूं, देखता हूं, गुब्बारे उड़ते हुए। अभी दीदी ना इस गेट में बहुत जोर से ठुकाई है एकदम, दीदी जा रही थी दिखाई नहीं उसको गेट। अरे भाई देखो सही मैं बता रहा हूँ दीदी, ऐसे बंद रहता ना, मैं क्या करता हूँ, मैं हाथ डाल के देखता हूँ कि शीशा लगा है कि नहीं। मैं बताऊ क्या करता हूँ, मैं ऐसे करके चलता हूँ, दीदी इधर, दीदी इधर। मैं साफ क्यों रखते हो फिर? साफ कौन करता है वैसे? ये कौन करेगा? आप करते हो? इतना साफ मत रखा करो जो कंफ्यूजन हो जाएगी। ऐसे ऐसे किया कर अब, मैं ऐसे करके लिटरली मजाक नहीं कर रहा, ऐसे करके दूसरी बार हुआ, दूसरी बार हुआ, पहली बार हुआ था जब मेरे रूम का जो शीशा है ना। अच्छा उधर भी, उधर मेरे साथ नहीं हुआ भाई। तो गाइस आज का दिन बहुत ज्यादा हेक्टिक था हमारे लिए, क्योंकि जो स्ट्रीम सेटअप करना था उसमें मेरे को बहुत ज्यादा समय लग गया था। तो बहुत आसान जब लास्ट में देखा तो पता चला इसमें बहुत इजी था, मैं इतना क्यों डर रहा था, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा समय लग गया। और भी मैं बहुत कुछ सोच रहा हूँ ऋषभ 2.0 के लिए, लेकिन इसलिए जो जो सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जरूर जाएं और सब्सक्राइब करें, उस पर मैं अपना बेस्ट से बेस्ट करने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। तो अभी क्या करते हैं, अभी जाके थोड़ा नहा लेते हैं क्योंकि बहुत पसीना पसीना हो गया एकदम। और ये मेरा धोती का एक्सपीरियंस बड़ा ही अच्छा रहा आज का, बस पाँव में थोड़ा फंस रहा था, मैं आपको दिखाता हूँ। ये चलते चलते मम्मी ऐसे फंस जाता है ये, आप पूरा पसीना पसीना हो गया। अच्छा अच्छा एक सेकंड, लोग बोलते हैं ना कि घर में चिमनी लगवा लो मम्मी को बहुत पसीना आता है, तो पसीना का वो कारण नहीं है, मम्मी को ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा पसीना आता है बचपन से ही। तो अगर चिमनी लगवा, एसी भी लगवा देंगे तब भी होगा। बता दो ठंडे मौसम में मैं स्वेटर शॉल नहीं यूज। हाँ ठंड में ठंडी लगती है और गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। फिर पाँव में फंस गया मम्मी, अब नहाने जाऊँ? आज का लाइव सेशन कैसा लगा आपको? ठीक था ना, अच्छा सेटअप किया था ना मैंने? और तनु कितना तुम्हारा हेल्प की है? नो 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 नो, अंधेरा क्यों किया हुआ यार इतना? अच्छा वो चाहिए, इतनी गोरी है। हां मैं अब ये तो मेरा चाहे कितना भी रोशनी कर दो ये तो है ब्लैक डायमंड। मेरे नानी गांव में मेरे को इस नाम से जाना जाता है, ब्लैक डायमंड। नहीं 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 मैं बोल रही हूं और कोई नहीं बोलता तेरे को, मेरे सिवा कोई बोल भी नहीं सकता। एक मिनट, एक मामी के सामने मैं जिक्र तो किया था कि मेरा बेटा हो गया। अरे यार ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड इन द स्काई। दीदी ने आज से ही मैं बहुत मदद किया मेरा कैमरा सेटअप करने में, माइक सेटअप करने में, है ना दीदी? तो अब खाना पीना खाते हैं, बहुत तेज भूख लग रही है अभी, कितना 11 बज गया, खाया नहीं अभी तक। नहा के आता हूँ और आपसे भी मिलता हूँ नहाने के बाद कपड़ा बदल के। तो अभी रात के 2 बज रहे हैं, मैं नहा चुका हूँ बढ़िया से, खाना वीना खा चुके हैं हम आराम से, एकदम चिल मूड में है। और मेरा पीसी वीसी और जो भी काम था आज का सब कंप्लीट हो गया। और अभी मैं थोड़ा सा ना एक कोल्ड ड्रिंक पी रहा था जो कि आया हुआ था घर में। तो आज के ब्लॉग हम यहीं पे खत्म करते हैं, अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। आप सभी से मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरी ओर से खत्म, टाटा और बाय बाय।